एवरीबॉडी, हमारा आज का अगला टॉपिक है सॉलिड स्टेट से है, उसका नाम है पैकिंग एफिशिएंसी इन यूनिट सेल। कि यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो यूनिट सेल के अंदर जो वॉल्यूम प्रेजेंट है उसकी कितनी टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ये हिंदी में बात हो गई। पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस अवेलेबल। कहां अवेलेबल? यूनिट सेल के अंदर कितना स्पेस अवेलेबल है उसका परसेंटेज जो कि एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। इट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस अवेलेबल ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स ऑफ ए यूनिट सेल। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है डेरिवेशंस के लिए। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? जितने स्फेयर्स हैं उनकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फेयर्स डिवाइडेड बाय यूनिट सेल की वॉल्यूम, वॉल्यूम यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100 से करना है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग यूनिट सेल्स के लिए निकल जाएगी। हम एक एक करके यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करके दिखाएंगे आपको। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। जैसा कि आपने लेक्चर पिछले लेक्चर्स में जो देखे होंगे उसमें आपने पढ़ाया था मैंने आपको कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स की संख्या तो एक होती है, और तो एटम को स्फेरिकल मान के चलते हैं तो स्फेयर की जो वॉल्यूम होती है वही एटम की वॉल्यूम होती है। स्फेयर की वॉल्यूम आप मैथमेटिकली सब जानते हैं 4/3 π³ होती है, तो इसी हिसाब से लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वन एटम इज इक्वल टू 4/3 π³, इसका नंबर वन मान लेंगे हम लोग। अब पैकिंग एफिशिएंसी है फॉर्मूले में अकेले एटम्स की वॉल्यूम नहीं है, यूनिट सेल की वॉल्यूम भी है, तो उसके लिए थोड़ा नीचे आएंगे हम थोड़ा सा सेकंड स्टेप के ऊपर टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की जो एट लेंथ है उसे हम ए मान लेंगे। तो अब जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसका डायग्राम थोड़ा बहुत दिमाग में होगा आपके, उसकी एज लेंथ के ऊपर दोनों एटम टच कर रहे थे आपस में, तो एज लेंथ जो थी उन दोनों एटम्स के रेडियस के इक्वल थी 2r, एक आधा एक r इस एटम का एक r बगल वाले एटम का, इसलिए a किसके बराबर होगी 2r के। तो यहां पे मैं वॉल्यूम लिख सकता हूं a क्यूब, a की जगह पुट किया 2r तो गया 2r³, और यूनिट सेल की वॉल्यूम आ गई 8r³। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले को यूज करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि भाई पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यूनिट सेल इनटू 100। अब एटम्स की वॉल्यूम हमने निकाली वो आई थी 4/3 π³, और यूनिट सेल की वॉल्यूम आ गई थी 8r³ इनटू 100। फिर और आगे सॉल्व करते हैं इसको, 3 को नीचे ले आए हम लोग, तो 4π³ डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 3, ये 3 ऊपर वाला ही है, r³ इनटू 100, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा और 4 और 2 को भी डिवाइड होकर 1/2 रह जाएगा, नीचे बचेगा 1/6 π × 100। पाई की वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करेंगे इसे तो आपका आंसर आएगा 52.4%। आमतौर पर डेरिवेशंस आती तो नहीं है पर क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी आनी चाहिए। हमारा दूसरा यूनिट सेल है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था FCC के अंदर टोटल एटम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो एटम को स्फेयर मानते हुए जब देखेंगे तो चारों एटम्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 π³ × 4, ग्रेटर आंसर है 16/3 π³। इसको नंबर वन मान लेते, इसको बाद में पुट करेंगे ना पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में। अब हमें निकालनी है यूनिट सेल की वॉल्यूम, उसे हम a³ मान लेंगे। तो पहले डायग्राम को देख लीजिए, मैंने फेस लिया सिर्फ एक दिखाने के लिए कि भाई कोनों के एटम के अलावा हर कोने में भी एटम है, आप सब जानते हैं फेस के ऊपर भी एक एटम लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक कोना आर के बराबर पुट करना होगा हमें, तो मैं ट्राइंगल कंसिडर करूंगा ABC, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले मैं AB की लेंथ निकालूंगा। जैसे कि इधर देखिए आप थोड़ा सा एक बड़ी इन ट्राइंगल ABC, AB² = AC² + BC² AC और BC क्या है? ये दोनों एट लेंथ है क्यूब की जो ए रे के बराबर है, तो a² + a² 2a² AB क्या हो जाएगा? √2a। अब जैसा मैंने कहा था a को r के बराबर रूट करना है मैंने, तो AB को एक बार दोबारा से देखिए डायग्राम में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, AB लेंथ के ऊपर ये तीन एटम, जो एक एटम यहाँ पे है एक एटम B के ऊपर भी है, ये तीनों एटम क्या है आपस में टच कर रहे होते हैं। अगर आपको पिछली डेरिवेशन ध्यान हो तो ये तीनों एटम टच है, तो AB की जो लेंथ है वो उसमें क्या है रेडियस इस एटम का, रेडियस इस एटम का डायमीटर इस एटम का, टोटल 4 रेडियस है AB के बराबर, तो उसको मैंने पुट किया है AB हो गया 4R के बराबर।
और ए भी क्या है, रूट टू ए के भी बराबर है, दोनों बराबर हो जाएंगी, तो फोर आर इज इक्वल टू रूट टू ए। जैसे ए क्या हो जाएगा, फोर आर डिवाइडेड बाय रूट टू, तो इसकी मदद से मैं ए क्यूब निकालूंगा। जब इसका क्यूब करूंगा दोनों तरफ तो क्या बन जाएगा, फोर आर डिवाइडेड बाय रूट टू का क्यूब, तो आंसर क्या आता है, 64 r³ डिवाइडेड बाय 2√2, और 64 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आएगा 32 r³ डिवाइडेड बाय √2। ये हमारी यूनिट सेल की वॉल्यूम है और ऊपर निकलती है एटम की वॉल्यूम। इसको हम पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करेंगे अभी। तो एटम की वॉल्यूम की जगह मैंने लिखा 16 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब, यूनिट सेल की वॉल्यूम की जगह मैंने लिखा 32 डिवाइडेड बाय √2 आर क्यूब मल्टीप्लाई 100। सोल्व करने के उपरांत आपका फाइनली आंसर आएगा 74%। दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। इसके बाद एक हो रहा है बीसीसी, उसको करते हैं थोड़ी। हमारा आखिरी जो यहाँ पे वन लिखा हुआ है उसको नंबर थ्री लिखते हैं पहले। तो हमारा जो आखिरी जो थर्ड जो आपका यूनिट सेल है उसका क्या नाम है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने होते हैं, टू होते हैं, तो दोनों एटम्स की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8π r³/3। इसका नंबर वन मान लेंगे। अब हमने क्या है, डायग्राम को देख लेते हैं पहले दोबारा से, बीसीसी के डायग्राम को। हर कोने पे एटम मैंने तीन ही दिखाए हैं और एक एटम बॉडी के सेंटर में, तो यहाँ पे क्या है, मेरे को एडी लेंथ निकालनी है, तो यहां पे एक ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा मेरे को ए बी डी। तो अगर अगर क्यूब के डायगोनल का आपको लेंथ निकालने फॉर्मूला यूज होता है, डायगोनल इज इक्वल टू एड्स मल्टीप्लाई √3। डायगोनल क्या है, एडी, एड्स क्या है, यूनिट सेल की ए √3। एडी किसके बराबर है, 4r के बराबर है, क्योंकि तीन एटम टच में एडी के, तो 4r किसके बराबर हो जाएगा, जब ये भी एडी वो भी एडी दोनों बराबर है तो 4r हो जाएगा ए √3। जैसे ए की वैल्यू निकाल लेते हैं 4r डिवाइडेड बाय 3। अब क्योंकि यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब, तो इस सारे का ए क्यूब जब करेंगे तो 4r तो बन जाएगा 4r √3 का क्यूब, जो ए क्यूब के बराबर होगा। आंसर आएगा 64 r³ डिवाइडेड बाय 3√3। तो इस वॉल्यूम को और एटम की वॉल्यूम को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे भी हम लोग। एटम की वॉल्यूम आपकी आई थी 8π r³, यूनिट सेल की वॉल्यूम आपकी आई थी 64 r³ डिवाइडेड बाय 3√3 इनटू 100, और कैलकुलेशंस के बाद आपका आंसर आ जाएगा 68%। तो कुल मिलाके चल भाई, तो अभी मैंने आपको तीन डेरिवेशंस करके दिखाई थी, तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी वैल्यू आती है, दैट कम्स आउट टू बी 52.3 or 52.4%। और जो एफसीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 74%, और बीसीसी के अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी वैल्यू आपकी आती है वो आती है 68%। दैट्स इनफ, दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।